पहला सवाल, महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारा था? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी नाथुराम विनायक गोडसे, डी भगत सिंह। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब सी नाथुराम विनायक गोडसे ने। दूसरा सवाल, भारत का संविधान कितने लोगों ने मिलकर लिखा था? आपका ऑप्शन है ए 299 लोग, बी 300 लोग, सी 200 लोग, डी 100 लोग। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है ए 299 लोगों ने मिलकर लिखा था। तीसरा सवाल, नेपाल देश का पुराना नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए लड़ाकू, बी कुटिल, सी गोरखा, डी नेपोलियन। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है सी गोरखा। चौथा सवाल, नेपाल भारत से कब अलग हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1925 में, बी 1922 में, सी 1910 में, डी 1904 में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है डी 1904 ईस्वी में नेपाल भारत से अलग हुआ था। पांचवा सवाल, भारत का सबसे पहला राजा कौन था? आपके ऑप्शन है ए राजा हरिश्चंद्र, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी महाराणा प्रताप, डी राजा गंगाधर राव। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपके ऑप्शन है बी चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे पहले राजा थे। छठा सवाल, भारत में मुसलमान कब आए थे? आपका ऑप्शन है ए 1702 ईस्वी में, बी 1842 ईस्वी में, सी 1640 ईस्वी में, डी 7वीं शताब्दी में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है डी 7वीं शताब्दी में भारत में मुसलमान का आगमन हुआ था। सातवां सवाल, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म कौन सा धर्म है? आपके ऑप्शन है ए हिंदू धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी सिख धर्म, डी ईसाई धर्म। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है बी इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। आठवां सवाल, 2050 तक सबसे बड़ा धर्म कौन सा धर्म होगा? आपका ऑप्शन है ए हिंदू धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी सिख धर्म, डी ईसाई धर्म। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है बी इस्लाम धर्म सबसे ज्यादा होंगे। नवा सवाल, झांसी की रानी के बेटे का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए मोरोपंत, बी मनु, सी दामोदर राव, डी सोनू। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब है सी दामोदर राव, उनका असली नाम आनंद राव था। दसवां सवाल, विश्व के कौन कौन से देश में संविधान नहीं है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड अन्य देश हैं और इनका कोई लिखित संविधान भी नहीं है। यह जानकारी आपके लिए। घोर कलयुग कब से शुरू होगा? कलयुग का शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से ही हुआ था, अभी 2022 चल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 3103, 2022, 5124 वर्ष कलयुग का बीत चुका है। कलयुग का आयु है 432,000 वर्ष। अब इसमें 5124 को घटा देते हैं तो 426,878 वर्ष अभी कलयुग का बाकी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे।